आज सपने में आप आए, मैं सुबह सुबह उठ के खाना मैंने तैयार किया है, पूरा रीति पूर्वक खीर के साथ। लाला जी हैरान, कहां से ये चमत्कार हो रहा है? क्वेश्चन इज, ही वेंट राउंड, वेंट टू राजकोट, वेंट टू केरला, सच अ बैड इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ केरला अबाउट अनटचेबिलिटी, द वे इट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड देयर, ही वेंट टू कन्याकुमारी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी ऑल नो। 25 दिसंबर को क्या महत्वपूर्ण चीज होती है? उस दिन कन्याकुमारी के रॉक में थे 1892, तीन दिन तीन रात कुछ नहीं खाया, इंडिया की तरफ देखते हुए मेडिटेट करते हैं, उनको ज्ञान मिला नहीं, इंडिया इज इन अ पावर पिटिएबल स्टेट मेटीरियली, आई शुड गो टू द वेस्ट, distribute in an understandable manner knowledge about Vedanta to the Western audience and bring material wealth to India. मेरे बहुत सारे छात्र हैं, मेरे खिलाफ चार्ज है, सब अमेरिका में रईस बने हुए, बड़े खुशी से रह रहे हैं। I am not impressed. Go abroad. Get the highest and the best degrees, as I told a young man before the meeting I met. So go there. Learn the best of techniques. Come back and work in this country for the betterment of the country, not for yourself. How many of us are prepared to do this? I have done it for half a century. I dare say it is the most difficult path I have chosen. But I am at peace with myself. And I am at a science which is at its pinnacle, I can tell you. I am not speaking about my science this afternoon into the night. 1892 going into 93, 31st of May 1893, he travels in the ship to America via Japan, via China and what not, every place he sees. Kaun saath the us ship mein bataiye, bade ship mein kaun the? Hawaii jahaz nahi tha us time pe. The original senior Tata, Dada ji, Navro ji, Bhai Tata. देख में बातें हुई, क्या बातें हुई? उन्होंने एक विज्ञान का इंस्टीट्यूट खोल दीजिए आप, वही आज टाटा इंस्टीट्यूट जाना जाता है बैंगलोर में, उसका दूसरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IISc बैंगलोर। उस दिन रेडियो में मेरा डिबेट चर्चा थी एजुकेशन के ऊपर, तो मैंने कहा वी आर टू दिल्ली सेंट्रिक एंड टू बैंगलोर सेंट्रिक एंड आई डोंट लाइक इट, we should be all India centric. Why should we be focusing on one or two centers? That's a separate topic. Tata offered him the first director's post. Vivekanand would have been the first director of the Indian Institute of Science, Bangalore. How many people know it? Please raise your hands. It's a fact. Vivekanand said, no, I won't take up the directorship. Aap shuru kariye. Today, Indian Institute of Science, Bangalore has become one of, if not the foremost, one of the foremost institutes of science in India. Every student aspires to go there. मेरे एक छात्र ने वहाँ faculty position ली, वो कहता सर आपने Nobel पुरस्कार विजेता के साथ काम नहीं किया होता आपको faculty position वहाँ नहीं मिलेगी, भूल जाएगी। उनको यही नहीं पता था conference कब शुरू हो रहा है। जुलाई 1892 में पहुंच गए कॉन्फ्रेंस के लिए। कॉन्फ्रेंस वॉज टू स्टार्ट इन सितंबर। आप जाके कोशिश कर लीजिए, एक तो वीसा नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिला एक साल के लिए, मेरा पिछली बार साइंटिस्ट ना वैज्ञानिक पहले मिल जाता था, दूसरा पैसा कहां से मिलेगा भाई? जुलाई में पहुंचे हुए हैं, सितंबर में कॉन्फ्रेंस कहां ठहरेंगे, कहां खाएंगे, कहां रहेंगे? परेशानी में हो गए, वैंकूवर से आए बॉस्टन, बॉस्टन से आए शिकागो, शिकागो से वापस सस्ते जगह के लिए बॉस्टन वापस आए, इसी तरह उन्होंने चलाया, यहाँ तक एक रात तो डस्टबिन में सोए। जो इंट्रोडक्शन लेटर दिया गया बाद में, उस लेडी ने देखा, यानी तो कुछ अजीब अजीब गरीब आदमी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, हमारे घर में आ जाइए। शी टुक केयर ऑफ हिम, हर हस्बैंड सेड, This one man knows more than all the professors of Harvard University put together.
उस इंट्रोडक्शन लेटर को खो दिया, पहुंच गए बैठे हुए, आज सरस्वती पूजा भी है, आज कल जब इनका भाषण के लिए वो कहे ना भाई नेक्स्ट मैन यू कम, बाद में बोलूंगा, बाद में, नर्वस थे ना। सच है यार, दिलीप वेंगसरकर क्रिकेटर था, बहुत हम कर्नल कहते थे उसको, वो कहता था एनीबडी हु सेज ही इज नॉट नर्वस व्हेन ही इज गोइंग टू बैट इज नॉट इवन टेलिंग हाफ द ट्रूथ, ही इज टेलिंग ए लाई, बिकॉज इफ यू आर नॉट नर्वस वेयर विल द नर्वस एनर्जी बी टू हिट द बॉल फॉर अ फोर और अ सिक्स, एनर्जी तो चाहिए भाई, तो नर्वस नहीं, नहीं मैं बाद में बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। फिर जब उनको कहा दिस इज लास्ट चांस यू हैव टू स्पीक नाउ, तो आए अपने मन में सरस्वती वंदना करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। कौन सा दिन था? 11 सितंबर 1893, हम सब जानते हैं, बहुत इसके ऊपर चर्चा हुई। उसमें एक श्लोक उन्होंने अपने छोटे भाषण में इंक्लूड किया, मैं तेंदुलकर पे अभी वापस आऊंगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं संस्कृत का छात्र नहीं हूं। मैं गया था अमिटी में, छोटे बच्चे थे, तो एक बच्चा कहता सर डू यू नो रशियन, मैं कहा आई डोंट नो, सर देन आई नो रशियन, व्हाट डू यू मीन यार, कहता सर यदि आप बोलते हैं कि आपको रशियन पता है तो मैं कहता मेरे को नहीं आता है, अब मैं जो बोलूंगा रशियन होगा, आपको तो संस्कृत नहीं आती है। सर बोलिए, श्लोक बोलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्य को तो ट्रांसलेट करने जरूरत नहीं, मनुष्य पार्थ अर्जुन सर्वशः हरे यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस तरह भजता है पूछता है मैं उसको उसी तरह से बताऊं, क्योंकि गुरु ने बताया था सारे रास्ते एक है, जैसे नदियां हैं समुद्र में जाती है सारी नदियां, इंडिया में नॉर्थ से साउथ में जाती है, अब जर्मनी जाइए तो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो ढलान में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम वोट दी वोट जर्मन नहीं द वर्ड इंग्लिश शब्द हमारी हिंदी, जो मेरे शब्दों को फॉलो करते हैं राइट, मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मैं उन सब के पास जाता हूं जिस तरह से वो मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह से मैं जाकर उनको प्राप्त मिलता या उनको मिलता। ये किसने कोट किया? विवेकानंद ने अपने छोटे पहले भाषण में, जिन्होंने उनको सेलिब्रिटी बना दिया, और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका आप कह के देख लिए कोई ताली नहीं बजाया, नहीं बच्चे छोटे से बच्चे स्पीच को रिपीट करते हैं ना तो वहां कर्तव्य ध्वनि होती है, मैंने देखा है ऑडियंस हिल जाती है, बट यू नो ही कैरीड दैट एनर्जी फ्रॉम हिज गुरु टू दैट अमेरिकन ऑडियंस व्हिच वाज वेटिंग फॉर दैट वाइब्रेशन for that many years. He stayed in America for 3.5 years, went to England, came back in between, got many followers, wrote many books, the Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga books were all lectures delivered in the morning and the evening. We are reading Karma Yoga just now in our youth group. 4 of the 8 chapters are beginners, for the beginners. Those lectures were delivered in the morning. The 4 other chapters were advanced reading. They were delivered in the afternoon or the evening. Mr. Sever, who came from England, who was an expert in shorthand, took the shorthand notes. That's how the book came away into print eventually. Let me now slightly switch back to demonstrate my lack of knowledge of Sanskrit and how 330 तो सहवाग ने बनाया है, तेंदुलकर ने तो नहीं बनाया, 330 बनाए नहीं बनाए, 330 330 बोलिए 330 नहीं 330
1930s, an anglicized expression of Bhagavad Gita chapter 3, shlok 30. और जया राव, मैंने उनके भाषण नहीं सुने, उनका आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, जया राव बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने लिखा सचिन तेंदुलकर यदि 330 पढ़ लेते तो 100वां सेंचुरी जल्दी से आ जाता, सारा देश परेशान नहीं होता। जैसे कि ज्वरग्रस्त था उस वक्त, सुनिए बोलिए मेरे साथ, आवाज नहीं आ रही पूरी यार, रिश्तेदार मैं उम्र आप यार, क्या यार बुलंद आवाज कहाँ है, मई सर्वाणी कर्माणी निर्ममो निर्ममो भूत्वा भूत्वा युद्धस्व युद्धस्व वीरता ज्वरः ज्वरः। यार हम तो संस्कृत के पंडित कोई भी नहीं, इसका अनुवाद कौन करेगा, मैं ही करूंगा, कोई है संस्कृत छात्र वो तो कर दीजिए, संजीव तो कहां, संजीव कहां है, मई सर्वाणी कर्माणी सर्वाणी कर्माणी सारे मेरे काम किसके काम, 100 तो तेंदुलकर की थी ना, छोड़ो यार, उसने देख लिया कि मेरी सेंचुरी बनेगी 100, मेरा नाम होगा, मेरे सारे काम इसके काम बच्चे बताते हैं, तो मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ इसके काम सारे काम हमने अपने ऊपर दे दिए, मई सर्वानी कर्माणी किसके काम, उसके काम, हम तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यार, कहाँ लगा हो गया, मेरी डिग्री मेरे 66.5 आए हैं, उसके 66.6 आए हैं, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा, तुम बेकार हो यार, 1.1% तुम्हारा मेरे से कम है, छोड़ो यार, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस अध्यात्म चेतसा चेतसा विद दिस नॉलेज दैट यू आर अध्यात्म एंड यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ सन्यास, मेरा नहीं है कुछ भी, स्पिरिचुअल प्लेन में, अच्छा खाना नहीं खाना, जरा बड़े हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधु के गेरुआ वस्त्र डाल दो, इस दुनिया में रहते हुए क्या हम एक सन्यास अपना आध्यात्मिक रुख दे सकते हैं, डिटैचमेंट का कैसे कर्म कर्म योग बनेगा, कर्म तो कर्म है ना, ये तो कर्म नियमाधिकार रिश्ते का देश है, सारी इंडिया पूरा रिजल्ट के पीछे भागता है, फिलॉसफी कहते हैं कर्म नियमाधिकार रिश्ते मां फलेशु कदाचन है मां कर्म फल हे दुर्भू से संदोस्त कर्मणी, ये सब थियरी है, इन रियलिटी एवरी यंग इंडियन टुडे इज चेजिंग रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ विच देर आर डिप्रेशन, सो मेनी स्टूडेंट सो मेनी यूथ आर कमिंग टू मी द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई कैन नॉट नैरेट हियर, Why? Because we are involved in karma. इसको हटा दो ना, कर्म योग बन जाए, कर्म बिल्कुल कर्म योग, निष्काम कर्म कर रहे हैं जिसमें हमारा अटैचमेंट नहीं है रिजल्ट में, किसी में अच्छे रिजल्ट आएंगे, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस अध्यात्म चेतसा निराशी विदाउट एनी आशा विदाउट एनी डिजायर, श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि देयर इज समबडी हु सेज आई हैव नो डिजायर immediately commits suicide. कोई आदमी हो ही नहीं सकता जिसको कोई डिजायर हो ही ना, निराशी निर्ममो, मेरा पेन है मेरा चश्मा मेरी ये किताब नहीं, निर्ममो भूतवा होते हुए ऐसे एक स्टेट में कि मैं आशा नहीं रखता हूं, मैं ज्यादा डिजायर नहीं रखता हूं, मैं मेरा मेरा मैं नहीं करता हूं, करते हुए यदि मैं अपने आप को इस भाव में रखूं निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व, लड़ाई में उतरो, कौन सी लड़ाई, लड़ाई ऑफ दिस लाइफ, जो दूसरा आदमी आपको ऊपर आते हुए देखना नहीं चाहता, इंडियन एटीट्यूड, वी कैन नॉट हर्ट अबाउट स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर्स, दिस कोऑपरेटिविटी इज मिसिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक द मार्क,
निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ज्वर मतलब इस बुखार को ना रखते हुए, विदाउट दिस फीवर, और मैं मेरा मेरी आशा इसको सब छोड़ते हुए ऊपर वाले के काम में मैं लग जाऊं। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास, विच व्हाट एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ संन्यास डजंट मीन दैट यू बिकम अ सन्यासी। अध्यात्म एक स्पिरिचुअल प्लेन में अपने आप को रखते हुए, ताकि यू डोंट मेक मिस्टेक्स। पिछले संडे एक डॉक्टर है हमारे ग्रुप में, कहते सर हाउ टू कंट्रोल थॉट्स, कोई दवाई है क्यों बटन है, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स, कोई बुरे विचार हमारे मन में आए तो क्या उसको पर्ज कर दिया जा सकता है, क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग द माइंड। हमने चर्चा की इस पे, फॉर्मेटिंग द माइंड, बटन दबाया फॉर्मेट सारा निकल गया, कैसे हो सकते, इतना आसान नहीं। अरे सुनो, 31 जनवरी 1897 में वापस आई इंडिया। अराउंड दैट टाइम नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रामकृष्ण मिशन इज एस्टैब्लिश्ड, बेलूर मठ इज गोइंग टू बी फॉर्मड। ही गोज बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स अगेन फॉर अ सेकंड विजिट 1899-1900। 4th July is historically, why is it important? छोड़ा है 4th July अमेरिकन इंडिपेंडेंस, नहीं उसी दिन उनकी मृत्यु हुई। अमेरिका साथ लेन देन था, मृत्यु हुई 4 July को। उसके बारे में चर्चा पढ़ लो, आखिर का दिन उनका कैसा था। सवाल जवाब पूछो तो मैं जवाब देता हूं। उनके गुरु का आखिर का दिन उन्होंने कैसे बिताया, ये भी एक और चर्चा है। He went for a swim, took a bath in the Ganges, took a walk, told his colleague, I want to start a Sanskrit academy, came back, taught some students, meditated for 3 hours, and quietly, but he had already told people, मेरा काम हो गया है।